नाम जावेद अनवर है। ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव। यही है कि भाई रिक्शे की पहचान, मान लीजिए किसी कोई सामान छूट जाता है रिक्शे पे, गाड़ी नंबर याद रखी है, कोड नंबर याद रखी है, तो वो कहीं भी बता सकता है इस रिक्शे पे हम बैठे हुए थे और हमारा ये सामान छूट गया है जी। और हमारा ये इस पे गूगल पे मैप भी है। अच्छा। अगर चाहें वो तो इस गूगल से भी पता कर सकते हैं जी। रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से जी। तो अभी तक यहाँ से लगभग कितना हो चुका है सर रजिस्ट्रेशन? यहाँ से कितना 300 प्लस लोगों का रजिस्ट्रेशन करीब हो चुका है। हो चुका है कितना और टारगेट लक्ष्य? वर्तमान में कम से कम मान के लिए हम लोग की यूनियन की तरफ से 1000 से अधिक लोगों का लगेगा जी। हाँ, और इसमें जैसे पूरे शहर में 3 से 4 लोगों को आरटीओ ने जिम्मेदारी दी है, उसमें से हम लोग का भी है जी। और हम लोग का मान के लिए एक यूनियन में कम से कम 1000 प्लस जाएगा, क्योंकि 4400-4500 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं। सर आपके सेंटर पे लोग अगर पहुँचना चाहे तो कैसे पहुँचेंगे? रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे, क्या रजिस्ट्रेशन कर, क्या पेपर लग रहा है, ये सब चार्जेस? देखिए जो पेंटर का पेंट का खर्चा है वो चार्जेस तो भाई सबको देना पड़ेगा। या नंबर अलाट हो जाएगा तो आदमी बाहर से कहीं भी जाकर नंबर लगवा सकता है जी। जो आरटीओ का गाइडलाइंस है कि गोल मार्किंग करके उसके ऊपर रेड नंबर लिखना, ये सारा चीज़ कराना, इसका कोई अलग से चार्जेस नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे कोई अगर आना चाहे ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यालय पे, तो दुर्गावाड़ी चौराहे संधियारी वक्त चौराहा आइए, वहाँ से आप आराम से आ सकते हैं। पेपर के लिए अगर कोई भी ये यूनिक आईडी अपने गाड़ी पे लगवाना चाह रहा है तो आरसी पेपर की कॉपी जिसपे गाड़ी नंबर मेंशन क्लियर दिख रहा हो, और ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है उसका ड्राइविंग लाइसेंस और उसी का आधार कार्ड चाहिए। और सर इसका कोई गाइडलाइन है कब से कब तक होना है, उसके बाद चलान? अभी आरटीओ की तरफ जो गाइडलाइंस है वो आज ही लास्ट डेट बताया गया है जी। लेकिन अगर गाड़ियों की संख्या और रहती है, कई गाड़ियों पर नहीं लग पाता है, तो हो सकता है प्रशासन जो है कि आरटीओ प्रशासन इस डेट को और आगे बढ़ा दे। तो क्या फ्यूचर में कुछ ऐसा है जो नई गाड़ियाँ आ रही है तो उनके ऊपर वो लिख कर ही आएगा? हाँ, फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा तो वो आरटीओ का अपना प्लान है, वो आरटीओ जैसा हम लोग को आदेश करेंगे हम लोग अपना करेंगे, नहीं तो फ्यूचर में हो सके गाड़ियों के ऊपर नंबर लिख के ही आए। तो ये कितना पूरा टाइम लगा है इसमें? इसमें लग रहा है ये जितना गाड़ी लग नंबर लगा है, जो पहले गाड़ी आया है उसका लगेगा, जो अभी आ रहा है तो उसको बाद में लगेगा। हम लोग गाड़ी एक लाइन से लगाइए भैया, कम होगा सर। इसमें जो है देखिए रास्ता टाइमिंग की कोई सीमा नहीं है, गाड़ियाँ ज्यादा है। अगर सरकार जो है एक महीने की समय दी होती सबकी समस्या हल हो जाती। अचानक काम हो रहा है, ये ऑटोमेटिक काम हो रहा है। आप बताइए गरीब आदमी इस समय चलाने में रिक्शा वाले कहाँ से कहाँ क्या करेंगे? समय में कम मिल रहा है, रामपुर भी भीड़ है, और हर जगह जहाँ जहाँ एक कैंप लगा हुआ है वहाँ वहाँ भीड़ है, लाइन लगी है, सब जगह लाइन लगा हुआ। आवाज के हमारा समय बर्बाद हुआ, अगर टाइम दिए होते हैं हर आदमी अपने टाइम से कामयाब होता। किस्त जमा करना है, कोई कहीं कर्जा जमा करना है, या कुछ भी करना है, तो अचानक कोई काम नहीं होता है। एक महीने का समय देता है कि हाँ एक डेढ़ महीने बाद ये का अपना काम करवा लेंगे। 10 दिन का टाइम दिए हैं, 10 दिन में क्या होगा? कम से कम 15-20 दिन समय मिलना चाहिए। ई रिक्शा पे यूनिक आईडी लिखवाने आए हैं तो आप लोग का लिख गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना टाइम लगा इसमें? समय तो लगभग करेगा भाई, 2 घंटा। आप बताएं कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? नहीं नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास काम चल रहा है। तो इससे क्या फायदे होने वाले कुछ मालूम है, कुछ पता है आपको? जी इसके बारे में तो अभी कुछ पता ही नहीं चला है। हाँ। क्या इससे बेनिफिट है क्या नुकसान है? अच्छा चलिए ठीक है।